नमस्कार, मैं हूं दिलीप मेहता। मोटिवेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे याद रखने के तरीके। हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रश्न है कि हमें याद नहीं रहता है, तो मैं आज ऐसी एक टिप्स दूंगा कि सभी को याद रहने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। बेसिकली हमको उसके माइंड सेट पे जाना पड़ेगा कि हम क्यों याद नहीं रख पाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं याद रखने के 11 तरीके। सबसे पहले जाते हैं वजूद बनाइए। मोस्टली जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कोई वजूद नहीं होता है, बस पढ़ने के लिए ही पढ़ते रहते हैं या एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कोई वजूद नहीं होता है। इसके बारे में ज्यादा मैं बताऊंगा। जब हम मान लीजिए कि रेगिस्तान में गए हैं और ऊपर से बहुत सारी धूप हो रही है और हमको पानी की प्यास लगी है, लेकिन हो रहा है कि नजदीक में कहीं पे भी पानी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बहुत ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको पानी की प्यास लगी है। हम मिनरल वाटर ही पीते हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं गंदा पानी है तो भी हम पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे है वजूद। ऐसे ही अगर शिक्षण में जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ऐसा ही कोई वजूद होगा तो 100% हमको याद रह जाएगा। दूसरी बात आती है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो जैसे ही किताब हमारे हाथ में आती है तो हम तनाव में आ जाते हैं, टेंशन हमारा बढ़ जाता है। तो वास्तव में टेंशन है क्या, उसके बारे में थोड़ा साइंटिफिकली हम जाएंगे। जब हम नॉर्मल प्रोसेस में होते हैं तो 60 या 65% तक ऑक्सीजन हमारा दिमाग लेता है और 35 से 40% तक जो ऑक्सीजन है वो हमारा बॉडी लेता है। लेकिन जब हम तनाव में होते हैं तो स्थिति ऐसी है, उल्टी हो जाती है। 60 से 65% तक जो ऑक्सीजन है वो हमारा बॉडी ले लेता है और 30 से 35% ऑक्सीजन हमको दिमाग को मिलता है। इसके कारण होता क्या है कि माइंड का जो कंट्रोल है हमारे बॉडी पे वो अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। इसीलिए जब हम तनाव में हो या जब पढ़ने के लिए बैठे तो कोई भी तनाव हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। उसके बाद जाते हैं विजुअलाइजेशन। हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद में विजुअलाइजेशन की बेस्ट कैपेसिटी थी और इसीलिए वो कोई भी पुस्तक पढ़ते थे और दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं थी। एक दूसरा उदाहरण बताऊंगा। जब वो शिकागो में गए थे तो एक नदी किनारे पे जब वो खड़े थे तब 2-3 शेर वो नदी के किनारे जा रहे थे, चीप थे वो। तो हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति ने कहा कि आप एक गन लीजिए और तीनों को उसको शूट करना है आपको। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक है, मुझे 1 मिनट का जल्दी से टाइम दो। तो उसने देखा और तैरते पानी में उसने तीनों सीप है उसको, जो सेल था उसको बंदूक से शूट कर दिया। तो हुआ कैसे, ये विजुअलाइजेशन है। आप आंखें बंद करके भी कोई स्थिति या पदार्थ का विजुअलाइजेशन कर सकते हो, पर जो पढ़ रहे हो उसको आंखों बंद करके आंख के सामने देख सकते हो। तो ये विजुअलाइजेशन से बहुत सारा आपका जो माइंड पावर है वो बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट पे आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। उसके बाद आता है निश्चित ध्येय बनाए। हम मोस्टली जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा कोई भी ध्येय नहीं होता है, ऐसे ही पढ़े जाते हैं। मान लीजिए हमको डॉक्टर बनना है, हमको वकील बनना है, अच्छे चित्रकार बनना है, अरे आप अच्छे संगीतकार बनना है, कोई भी ध्येय होना चाहिए। जब आपके सामने ध्येय आएगा तभी आप काम कर सकोगे। हेलन केलर को किसी ने पूछा कि आप दृष्टिहीन हो, अंध हो, तो आपको लगता है कि आपके जीवन का ये बड़ा अभिशाप है? तो हेलन केलर ने बहुत अच्छी बात बताई कि दृष्टिहीन होना ये कोई शाप नहीं है, लेकिन अगर आप ध्येयहीन हो तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है। उसके बाद आता है याद रखने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू करें। मान लीजिए मैं आपको कहूंगा कि आप एक साथ 5 पुस्तक पढ़ लीजिए, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, मगज की कैपेसिटी होने के बावजूद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो आज जैसे शरीर की एक्सरसाइज होती है ऐसे ही ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। पहले दिन आप 5 मिनट पढ़िए, दूसरे दिन 10 मिनट, ऐसे आपका टाइम बढ़ा के आप 12 या 15 घंटे तक पढ़ सकते हो। एक साथ पढ़ने की कोशिश शुरू में मत कीजिए, धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ाइए। ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। मगज को तीक्ष्ण बनाने का प्रयोग कीजिए। कैसे, मैंने अभी कहा वैसे ही। मान लीजिए आपको मैं अभी बोलूंगा कि आप यूसेन बोल्ट की तरह जल्दी से दौड़ना शुरू कर दे, नहीं होगा, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो आप यूसेन बोल्ट जितना दौड़ सकते हो, क्योंकि आप में कैपेसिटी है लेकिन एक्सरसाइज नहीं है। ऐसे ही पढ़ना एक एक्सरसाइज है, आप नियमित रूप से कीजिए, 100% आपको सफलता मिल जाएगी। उसके बाद आ रहा है नहीं पढ़ने का कारण दूर कीजिए। मोस्टली क्या होता है, जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो होता ऐसा है कि टीवी देखने की इच्छा हो जाती है, या घर पे गेस्ट आ जाते हैं, या फ्रेंड्स आते हैं, फ्रेंड्स से गॉसिप कर देते हैं, वैसे 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 ब्ला ब्ला ब्ला, इतने वजूद हमारे पास होते हैं कि हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं पढ़ने का कारण होता है। ये सब कारण को दूर कर दीजिए, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके ध्येय में यानी कि पढ़ने में डाल दीजिए। जब आप पढ़ने के लिए बैठो तब आपका दिमाग पढ़ने में ही होना चाहिए, नहीं कि ऐसे अवरोधों को। तो आप कई प्रकार के अवरोध आज वर्तमान समय में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब टीवी है, सब अवरोध है, इसको आपसे दूर कर दीजिए। जितना इस अवरोध को दूर करेंगे उतना पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी।
सोते समय चिंतन करें। हम जानते हैं कि अजागृत मन की शक्ति बहुत अच्छी होती है, इतनी शक्ति कि जितनी जागृत मन याद नहीं रख पाता उतना अजागृत मन है वो काम करता है। जब आप सोते समय चिंतन करोगे तो आपकी अजागृत मन की शक्ति पूर्ण तरीके से जागृत हो जाएगी और आप उसमें ज्यादा से ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकते हो। और सफल व्यक्ति की जीवन चिंतन पढ़े, जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो ऐसे व्यक्ति जिसे आप कुछ प्राप्त कर सको। हम जानते हैं कि बहुत सारे महान व्यक्तियों के जीवन इस चिंतन से, दूसरे लोगों के विचारों से परिवर्तित हुआ है। तो महात्मा गांधी ने जब लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ा तो उसका जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। तो ऐसे ही इस महान व्यक्तियों में मोटिवेशन होता है, इसके जीवन में मोटिवेशन होता है। वो जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप ऐसे ही एक्टिव हो जाओगे। उसके बाद करेंगे आशावादी बने, जितना हो सके उतना आशावादी बने। मैं एक बात बताऊंगा आपको, मैं जब भावनगर में गया तो वहां एक गटर थी, उसमें एक बेचारा एक आदमी था वो उसमें साफ कर रहा था कुछ। मैंने देखा कचरा है क्या साफ कर रहा है, तो मैं नजर उस पे गई तो वो कचरा को लेके एक पात्र था उसमें डाल के पानी में धो रहा था। मुझे लगा कि वो कचरा ऐसे ही साफ करता होगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। मैंने देखा तो कचरा भी गटर में डाल रहा था, तो मैंने सोचा क्या कर रहा होगा ये। तो फिर से मैंने थोड़ा नजदीकी से देखा तो उसके पास गया और उसको पूछा, तो उसने मुझे बताया कि मैं ये कचरा है वो सब डायमंड मार्केट से उठा के लाता हूं और यहां आके उसको पानी में साफ करता हूं। उसको साफ करने के बाद जो बाकी जो अंदर से धूल बचती है उसमें से मुझे कभी कभी हीरे मिल जाते हैं। मैंने उसको फिर से पूछा कि यार हीरो तो आप कैसे हीरा ढूंढता है अंदर से। उसने बताया कि ये हर रोज नहीं मिलता है, कभी तीन दिन पे, अरे कभी तो महीने के बाद भी मिलता है और कभी भी एक दिन पे दो तीन मिल जाता है। तो मैंने उससे एक बहुत बड़ी बात सीख ली कि आशावादी बनने से जीवन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक महीने के बाद, एक महीने के बाद नहीं तो एक साल के बाद तो आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। उसके बाद आते हैं हम ध्यान करो। जीवन में मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान करना एक विजुअलाइजेशन के सेम कैटेगरी में आता है। जितना आप मेडिटेशन करोगे आंखें बंद करके आपके दिमाग में जो काम चल रहा है उसको थोड़े टाइम के लिए प्रोसेस को स्लो कर देना है, और जब ये आप स्लो कर देते तो माइंड है उसके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है और आपका दिमाग है वो तीक्ष्ण हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।